पहले हमें जवाब दो, तुम काटती नहीं हो ना? माता जी उपद्रव बंद करो, प्रेम पूर्वक रहो, लाने नहीं बकवास में बैठे हो और समस्या निपटाऊंगो, तुम दो जना खराब हो। कुछ हो सकता है विधि, हम एक औषधि दे रहे और नियम करेंगे। ये मंत्र है, 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में दो खड़ी हल्दी की गांठ डालकर हल्का गुनगुना करके खाली पेट 40 दिन तक आप इनको पिलाइएगा। एक यही चरणों की औषधि है, भभूति है, डॉक्टरी सलाह भी चलाइए। जाओ बालाजी, जय जय कर रहे हैं। घी नहीं, गाय का गोमूत्र न कटा। हाँ घी नहीं बोलिए, दो गांठ हल्दी की। हाँ अब हमसे पूछ लो, कछु हमें समय कम है। बोलो सीताराम। भैया जो हाथ जोड़े हुए मध्य में शर्ट पहने खड़े हैं जी, आ जाओ तुम यही रेलिंग टंग जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार है। भैया एक जो थैला लिए हुए दादाजी ये बैठे हैं, ये आगे बैठे हैं, हाँ इन्हीं को अंदर करवाओ। आइए, कहाँ से आए हैं? हारे हारे हारे। माइक ले सकते हो, बोलो क्या समाधान चाहिए बड़े आदमी? घर से क्या परेशान हो, लगाई से हो, लगवा से हो, किससे परेशान हो? अच्छा बीमारी में क्या लगा रहता? पेट दर्द, सिर दर्द, सीना दर्द, क्या पिराता है? अच्छा ठीक है, और कोई बात? कौन घरवाली के तुम? अच्छा और कोई बात? नजदीक आओ, पूरे घर में तनाव, सबको बीमारी बनी, द्वंद बहुत ज्यादा बने, पत्नी को सीना में दिक्कत, कंपन आता है, अचानक से रोना प्रारंभ कर देती है, प्रेत बाधा की सवारी बनती है, बेटी को आंतों में दिक्कत हो रही है, अम्ल क्षार बढ़ रहा है, आराम लग जाएगा, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। पेशी कौन करवाएगा? राम इसको पूर्व में छाले भी बने, लाली को पहले, अभी वर्तमान में कंट्रोल है। आपको किसी भी देवस्थान पर, हनुमान जी के प्राचीन मंदिर पर 11 मंगलवार चोला चढ़वाना है, 11 मंगल का व्रत बिटिया को करना है, उन्हीं के चरणों का चरणों तक बेटी को पिलाना है, क्योंकि जांचें अब वर्तमान में नॉर्मल आई हैं। तो जा, तुम्हारी बेटी को पेट दर्द से आराम लग जाएगा, आशीर्वाद। पर घरवाली के भूत भागे तई ठीक, तुम टेंशन ना लो, तुम्हें जो बताओ शादी करने को कहा किसने था? किसने कहा था शादी? बोलो है, हाँ पिताजी ने शादी को कहा था, लो भाई तुम्हें मिली हैरानी हम मिटाएंगे, ले बच्चा मजा का कर रहे हो, तुम टेंशन ना लो। सीताराम हाँ, इसके बाद आइए दोनों। अरे एक बच्ची अभी रास्ते में जो गिर पड़ी थी, हाथ में वो ट्राय लिए थी, वो है आ गई का? गाड़ी के धक्का में बेचारी गिर पड़ी थी। सीताराम बालाजी, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। अब गुरु जी मर गए,
और कहां से आए? अच्छा पहली बार आए? दूसरा साल? दो साल हो गए आते आते? वाह गजब, हार है हार अच्छा आज सब जने घर जा रहे का? चलो अगले महीने आइयो, नवरात्रि के बाद में हमें 24 तारीख तक रोज रहना है। अब जब तक थोड़ा सा गर्मी कम हो जाएगी, ठंडी बढ़ जाएगी, तो फिर रोज यहीं बैठ के दरबार लगाएंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। नो बोलो क्या बात है? जो दुकान के सामने अभी वो उसको चोट लग गई थी बच्ची को, वो आ गई, एक इतना गुड्डा लिए होगी बच्ची, तो गिर पड़ी। हाँ पूछो, बालाजी सब जानते, पूछो। तुम लोग लड़ते क्यों हो बुढ़ापे में? तो तुम पत्नी के ऊपर शक क्यों करते हो? अरे ऐसा उल्टा सीधा नहीं, माइक लो बहन, क्यों ना माइक से बोले, क्या तुम दूध के धोले हो क्या? हाँ क्या हो जाता है, क्यों लड़ते? तुम पे आरोप लगाते, हमारा भी है इन्होंने। देखो माई बाई फाई वेरी हाई फाई, अब बताओ तुम लोग आई के ऊपर आरोप क्यों लगाते हैं? अच्छा किसी से जोड़ते हैं, किसी के साथ सोते हैं, ऐसा बोलते हैं? और वो तो हम एक एक बात तुम्हारी सुनते रहते हैं, और बताओ। अब बताओ तुम कहां से गलत है, तुमने किसके साथ पकड़ा है? अच्छा इसीलिए गलती देखो दोनों जनों की, हमारे पास मुकदमा आया है तो हम दोनों तरफ से फैसला सुनाएंगे। ये आया, घर में एकता नहीं, आपस में भयंकर लड़ाई हो रही है, दोनों घर में रहते हुए भी दूर दूर रहते हैं, तुम मुंह बहुत ज्यादा चलाती हो, वह इनको उल्टा सीधा बोल देती हो, ये तुम पर चरित्र का आरोप लगाते हैं, जिस कारण से कलेश भयंकर बना हुआ है, दोनों अपनी अपनी जगह गलत हैं, सुधार करें और आज से अलग अलग कमरे में नहीं एक कमरे में रहें, और तुम इनको दुत्कार कर घर के बाहर मत माताजी निकाला करो, जाओ ये आरोप नहीं लगा देंगे, आशीर्वाद है। तुम धक्का देके कुंदी लगा लेती सो वो दिमाग खराब हो जा, हुए भी का टेंशन है, काहे भैया बोलो गलत कह रहे हो, तो माइक ले लेते, माइक ले ले। हाँ अब तुम्हारे परिवार में कोई है नहीं, दोनों प्रेम पूर्वक रहो, हाँ कोई रोकने टोकने वाले भी नहीं है, तो काहे तो मैंने धक्का दे दी थी, मैं गलत बात, दोनों ही गलत हो, आज से दोनों ही सुधार करो, आज के बाद ये विषय है बाजू के आए, तुम दो जन के घर के मामला है, निपटा, आज से प्रेम पूर्वक रहो दोनों, आप क्या है ठीक बागेश्वर धाम की जय। गुरु जी कुछ तो तुम भी नायम आए, मुंह चलाती रहती है, नहीं गलत बात। और ये दूसरा वाला आरोप क्या लगाते हो? उससे क्यों जोड़ते हो? नहीं उससे जोड़ते क्यों हो? उसने क्या, उसके साथ तुमने क्या देखा? तो बस फिर ऐसे मुंह चलाने लगे डायरेक्ट। कारण ये है कि इनकी मति विचित्र है, या बहुत उच्चाटन दिमाग है इनको, लुगाई तुम्हारी खतरनाक है इसमें कोई संदेह नहीं, देखा हमने, देखा वो भी देखा, इनके सब उपद्रव हमने देखे, पर अब बेइज्जती ना करवाओ,
दो जने प्रेम पूर्वक रहो, नहीं पहले हमें जवाब दो, तुम काटती नहीं हो ना, माता जी उपद्रव बंद करो, प्रेम पूर्वक रहो, लाने नहीं बक्का बैठे और समस्या निपटाऊंगो, तुम दो जना खराब हो, नहीं ये तो गलत बोला है, यहाँ हम जो है माता जी का पक्ष करेंगे, धाम पर ये गलत करने नहीं आए हैं, घर का हम कुछ कह नहीं सकते, घर में पता नहीं। अच्छा तुम इन्हें काटती क्यों हो माता जी, तुम बचाने वाला कोई नहीं, तुम इन्हें काटोगी कैसे, नहीं काटती वो पता, अच्छा काय काटती नहीं है, अरे पहले तुम माइक ले लो, माइक लो, तुम्हें काटती नहीं है, तुम कह रहे काटती नहीं, पहले हमें इसका पहले मारो तो ठीक, सुधरो आज से, ठीक आज से प्रेम पूर्वक रहो, धक्का ना दियो इन्हें, हाँ जाओ जाओ खुश रहो और बेइज्जती करो, हाँ जी बस आ रहे हैं, ना 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 आ रहे हैं, पांच मिनट कस, चलो किसको, इसके बाद आइए पागलो सीताराम, चेला हो और चेले, हाँ सीताराम हम तो भाई अर्जी लगा देंगे, अब आज तो हम जल्दी में लेकिन लगा देंगे, ठीक कहां से आए भैया, पहली बार आए, दो साल से आ रहा, बोलिए क्या बात, सीताराम जा रही हो, निकल जा अच्छे से जाइयो, हम भी जा रहे हैं बस, है गुरुजी, गुरुजी बेटी का क्या विषय फंसा है, क्या हो गया, क्यों नहीं कर पा रहे, ठीक है बेटा का क्या है, बहुत अच्छा यही आने से हुआ, नौकरी यहीं से लगी, कोर्ट में लग गई, बधाई हो, हम रहो चूल्हे से जा, और क्या चाहते, क्या हो गया, आभूषण है ना, हाँ आभूषणों की चोरी तुम्हारी ससुराल में हुए है, किसी ने छिपा लिए है, राज खुलेगा वर्तमान में, बताने से पूरे घर में महाभारत खड़ी हो जाएगी, घर में हैरानी बनी, परिवार में एकता बनी रहे, बेटी के लिए वर प्राप्त नहीं हो पा रहा, अगले साल के अंत में निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा, आशीर्वाद है, जय श्री राम, उनको बेटी के पैर के अंगूठा से लेके सिर तक नाम करके पीली रेशम चाहिए, ठीक जा, बालाजी दया करेंगे, जो चोरी वाला है उसमें प्रायोजित तरीके से चोरी हुए हैं, षड्यंत्र तरीके से चोरी हुए हैं, बाकी हम उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं तो घर में महाभारत खड़ी हो जाएगी, समझदार को इशारा खापी होता है, खिसक लो, आशीर्वाद माधव, चलो हाँ आइए, जिनका बच्चा व्हील चेयर पर है अंतिम अर्जी, सीताराम, अरे पागलो सीताराम, अरे यहां से नहीं निकालो, हम तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेंगे,
जिला टोकन हाँ तुम्हारा वो क्या हो गया, किसका दिमाग खराब हो गया? काय चेला किसका दिमाग खराब हो गया? बोल दिमाग किसका खराब हुआ? पहले बोल लो क्या नहीं बोल लोग आई तो क्या होगा? यहां सुनाई नहीं देता, लुगाई को सुनाई नहीं देता। आओ नजदीक आओ, आ जाओ। मस्कुलर दिक्कत हो गई है, चल नहीं पाता, शिथिलता है। 25% आराम मंत्र चिकित्सा से इस बालक को लग जाएगा। धैर्य रखें, समय भर लगेगा पर कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। जो बालक टी शर्ट लाल पहने तौलिया बांधे हुए लास्ट में खड़ा, हाँ जिसने दोनों हाथ खड़े किए, बेटा तुम आ जा, हम तुम्हें टोकन दे रहे अर्जी, तो अब आज हम जा रहे, फिर थारा पर्चा बनाने तोरी अर्जी आ गई, गुरुजी ने कह दिया। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से धाम से जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। मनी मन प्रणाम करो बालाजी को, सन्यासी बाबा को करो। अब हमारे साथ बोलो, ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मनी मन भगवान बागेश्वर बालाजी सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। पूज्यपाद सन्यासी बाबा का दिया हुआ ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देते हैं, तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती है। और बागेश्वर बालाजी की कृपा रोग में संकट में व्याधि में पीड़ा में आराम लगने लगता है। आप जो भी अर्जी लेकर आए हो मन ही मन तीन बार बोलो ओम। ओम ओम ओम। कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। प्रणाम करके दाएं हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा करो, बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा 7 बार करो, इसको भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मलो, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। नेत्रों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा है स्पर्श करा लो। छत पर जो विराजमान है लाल साड़ी में माता जी, उनकी भी अर्जी स्वीकार हो गई थी, लेकिन अब हम तुम्हारी फिर पर्चा बना देंगे, ठीक है? जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार है। अब हम आएंगे, आ तो जाएंगे 1 तारीख को गया जी से, लेकिन नवरात्रि में हम मौन रहेंगे। जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी के चरणों का पगला हो गया, जाओ, आज से तुम्हारी प्रत्येक अर्जी की जिम्मेदारी हमारे सन्यासी बाबा की है। तुम तो लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी शुरू कर दो, तुम्हारी जय जय हो। बेटा इन्हें दे दो, बेटा सामान ले लो,
जो भी लोग सामान लाए हमारे सेवादारों को दे दो, हमें मिल जाएगा। आई एम गोइंग